वेलकम टू माय चैनल कुक विद जी की। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं खीर, राइस खीर, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं आज हम जो ये रेसिपी बना रहे हैं, ये खीर की रेसिपी बिल्कुल अलग, डेफिनेटली ये मेथड आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं, रेसिपी देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सिंपली फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, इससे हमारे न्यू अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक भगोनी को गर्म कर लिया, उसमें हमने 3 चम्मच डाला हुआ है देसी घी, और जो हमने ये चावल निकाल के रखे हैं ये हमने 1 कप चावल लिया हुआ है। ये सारा चावल इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लग जाए। इससे क्या ना जो हमारी खीर बनने वाली है ना ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। चावल को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। 2 घंटे के लिए चावल को हमने भिगा दिया था पहले, फिर उसके बाद आप भी ऐसे ही कीजिएगा, चावल को जो भिगाएंगे उसके बाद रोस्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े डालेंगे काजू, 10 से 12 काजू के कतरन हम ले लिए हैं, इन्हें हम इसी के साथ में रोस्ट कर लेंगे। चावल की क्वांटिटी हमने लगभग वजन के हिसाब से लिया था, 150 ग्राम थे। यहाँ पे कुछ हमने बादाम के टुकड़े, 10 से 12 बादाम को हमने लंबे आकार में कट कर लिया है, इन्हें भी हम इसी के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 कप काल मखाने, इन्हें भी हम भून लेंगे अच्छे से, और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे नारियल का पाउडर है, ये हमने 1/2 कप लिया हुआ है, इसे हम पूरा डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे ना तो डेफिनेटली ये खीर बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आपकी। यहाँ पे हमने 3 लीटर दूध ले लिया है, दूध को हमने पहले से बॉयल कर लिया है। अब ये दूध वही जाएगा उसी में जो हमने चावल को और सारे मेवे को हमने जो अच्छे से रोस्ट किया था घी के साथ में, उसमें हम जो 3 लीटर का दूध रखा हुआ पूरा ऐड कर देंगे इसमें। पानी हमें 1 बूंद भी नहीं डालना है, हम ऐसे ही बनाएंगे बिना पानी से, धीमी धीमी आंच में लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। ध्यान रखिएगा बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि ये जो नीचे ये है वो नीचे चावल इसके चिपके ना, जो हमने डाला हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, पक रही है लगभग 1/2 घंटा हो गया है और अच्छे से ये थिक भी होने लग गई है, गाढ़ी भी होने लग गई है। बस इसे हम 2 घंटे लगभग ऐसे ही लो फ्लेम पे कुक करेंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस इसे पकने देते हैं धीमे धीमे, जितना ही ये कम फ्लेम पे पकेगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकल कर ऊपर आएगा। इसी स्टेज पे हम इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। इतनी बेहतरीन ये खीर बन गई है, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे शुगर, क्योंकि थिकनेस भी अच्छी आ गई है, इसका कलर भी अच्छा थोड़ा सा रेड रेड आ गया है। पे शक्कर हम ऐड कर रहे हैं, ये 250 ग्राम है। लगभग इसमें शक्कर डालेंगे 400 ग्राम क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मीठा नहीं रखना है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई मीठा इतना पसंद नहीं करता, इसलिए थोड़ी सी शक्कर हम कम ही ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमने कितनी शक्कर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लगभग हमने 400 ग्राम शक्कर ऐड कर दी है। फ्लेम हमें लो ही रखना है, धीरे धीरे हम पकाएंगे, बस चलाते रहेंगे बीच बीच में, और ये क्या ना साइड साइड में ऐसे इस तरीके से हम छुड़ा छुड़ा के चलाएंगे, साइड में जमे ना। बहुत ही बेहतरीन दानेदार ये खीर बनकर रेडी हुई है। और खोवा और जो इलायची पाउडर है वो एंड में हम बताएंगे आपको किस वक्त हमें डालना है, बस थोड़ा सा अभी से हम अच्छे से पका लें, शक्कर भी मेल्ट हो जाए और कुक हो जाए। खीर पकना स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही हम इसे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं हल्का सा, फिर इसमें ऐड करेंगे हम खोवा। तो हमने वहाँ पे खोए को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, ये बहुत थिक था तो ग्रेटर से हमने इसे ग्रेट कर लिया है, ये लगभग 500 ग्राम है। तो थोड़ा सा हम खीर को ठंडा हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम खोए को ऐड करेंगे।
यहाँ पे खीर ठंडी हो गई है थोड़ी सी, अब इसमें हम ऐड करेंगे खोवा जो हमने ग्रेट किया हुआ रखा हुआ था, मिक्स कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। डालेंगे वो जो इलायची का पाउडर हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे, इसे चला देंगे, फिर थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक के रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये खीर बनकर रेडी हो गई है। हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादाम के टुकड़े। बेहतरीन ज़बरदस्त खीर बनकर रेडी हो गई है। ये खीर आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।